हेलो व्यूअर्स, मैं सुदर्शन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल सुदर्शन वेल्थ एडवाइज़र में। इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है प्रिकॉल लिमिटेड, जो एक आने वाले फ्यूचर में एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। तो एक मल्टी बैगर सीरीज़ वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, जिसमें हम प्रिकॉल लिमिटेड के बारे में कुछ डिटेल टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रिकॉल के कुछ फंडामेंटल्स देखने और समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैप वो है 3,445, और करंट मार्केट प्राइस जो है वो एक अप्रॉक्सीमेट 283 रुपीज़ है। ठीक है, 52 वीक अगर हाई आप देखते हैं तो वो है 296, और 52 वीक लो जो है 154 का है। तो ऑलमोस्ट ये भी स्टॉक इस साल यानी कि 2023 में डबल हो चुका है, यानी कि लास्ट 52 वीक्स में डबल हो चुका है। स्टॉक का जो पीई रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो है ऑलमोस्ट 27, बुक वैल्यू है 58। डिविडेंड ये कंपनी ने पिछले 1 साल में कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी फेयर है, 20, मोर देन 20% मैं मानता हूँ, बहुत ही अच्छा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी ऑलमोस्ट 20 है, सो काफ़ी बढ़िया है। फेस वैल्यू 1 है, इसका मतलब इस स्टॉक में नियर फ्यूचर में स्टॉक स्प्लिट का कोई स्कोप नहीं है। प्रोबेबिलिटी है बोनस शेयर दे पाए, बट स्टॉक स्प्लिट का तो कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि मिनिमम जो फेस वैल्यू है वो है 1। अब ये कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है? तो ये जो है एक ऑटो एंसिलरी सेक्टर से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, मनी कंट्रोल का वेबसाइट है। मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे जब आप इस स्टॉक को सर्च करेंगे प्रिकॉल लिमिटेड, तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं ऑटो एंसिलरीज, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो स्टॉक है ऑटो एंसिलरी से बिलोंग करता है, और यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए, प्रिकॉल लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स एंड अलाइड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट। यहाँ पे भी मेंशन किया अलाइड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, साथ ही साथ OEM। OEM का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो ये एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर भी है, यानी कि कोई कंपनी अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट देती है तो उनके लिए ये एक एज एन व्हाट आई कैन से वेंडर भी एक ओरिजिनल प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करता है, जो कि उस कंपनी में यूज़ होने वाले कंपनी में एक असेंबल्ड पार्ट की तरह यूटिलाइज हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिकॉल का एक वेब लिंक है, तो इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो प्रिकॉल के वेबसाइट पे ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जब प्रिकॉल का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि क्या कुछ उनके प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे कुछ टेक्निकल रिस्ट्रिक्शंस है, जस्ट अ सेकेंड। तब तक हम आगे डिस्कस करेंगे, फाइन। तो ये है चार्ट, चार्ट में भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2017 से ये लिस्टेड है, और एक ऑलमोस्ट 2017 से लेके 2020 तक एक 3 साल का जो एक साइडवेज ट्रेंड रहा है इसमें, कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन फेज रहा है इसमें। उसके बाद अब ये ब्रेकआउट कर चुका है। तो ऑन चार्ट अगर हम डिस्कस करेंगे, टेक्निकली डिस्कस करेंगे बाद में क्या कुछ टारगेट्स हो सकते हैं आने वाले सालों के लिए। प्रोज और कॉन्स अगर आप यहाँ पे देखें, तो कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस किया है, उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ जो है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट वो है अच्छा है, 34% लास्ट 5 ईयर्स का। प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो ये अच्छी पॉइंट है यहाँ पे। अब कॉन्स, कुछ नेगेटिव साइड्स देखेंगे। दो दो कंपनीज रिपोर्टेडली जनरेटिंग प्रॉफिट्स, बट इट इज़ नॉट पेइंग डिविडेंड, डिविडेंड पे नहीं कर रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल में जो इक्विटी रिटर्न्स है वो कम थे, ऑलमोस्ट 13%। ठीक है, तो वो भी अभी अगर आप देखें रिसेंटली तो वो भी इम्प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट, इसके जो पीर कॉम्पिटिटर्स है, फाइन, पीर कंपेरिजन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। मदरसन सुमी यानी कि संवर्धन मदरसन, अभी वो सेपरेट हो चुके हैं। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट, बॉश, यूनो मिंडा, सोना बीएलडब्ल्यू, मदरसन वायरिंग, सुंदरम फास्टनर्स एंड प्रिकॉल। तो यहाँ पे कंपेरेटिव भी आप देख सकते हैं। अगर इस सभी पीर्स को अगर आप देखें तो सभी का जो पीई रेशियो है काफ़ी हाई है कंपेयर टू द प्रिकॉल। तो प्रिकॉल का वैल्यूएशन काफ़ी फेयर है कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स, फाइन। इक्विटी कैपिटल भी आप देख सकते हैं, काफ़ी कम इक्विटी कैपिटल अवेलेबल है, यानी कि जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है मार्केट में वो काफ़ी कम है। ठीक है, फाइन।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वेबसाइट है ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे ओवरव्यू, हिस्ट्री, मैनेजमेंट, टीम प्रेजेंस, सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं क्या कुछ अवेलेबल है, एक्टिवेशन कंट्रोल्स एंड फ्लूइड मैनेजमेंट एंड ईवी रेडी, यानी कि ईवी रिलेटेड इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, पैसेंजर, कमर्शियल ट्रैक्टर्स, सभी सेगमेंट में इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। देखेंगे कस्टमर्स, अगर आप कस्टमर्स को क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं क्या कुछ, कौन से कंपनीज इनके कस्टमर्स हैं। फाइन, तो BMW है, बजाज, डुकैटी है, HD है ना, हीरो, होंडा, बहुत ही जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज इनके कस्टमर्स हैं। देखेंगे प्रोडक्ट लिस्ट, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में क्या कुछ प्रोडक्ट है देखना चाहेंगे, ओवरव्यू। फाइन, असेंबली लाइंस, रोबोटिक असेंबली लाइंस वगैरह कुछ इमेजेस हैं, तो ये सब आप देख सकते हैं। फाइन, सो एक कंपनी का यहाँ पे आपको डिटेल पता चलेगा। फाइन, अब क्वार्टरली रिजल्ट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने पहले ही कहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फाइन, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें देखना है। तो 2020 का आप देख सकते हैं, तो ऑलमोस्ट कोविड की वजह से यहाँ पे बहुत सी कंपनियों का परफॉर्मेंस पोर रहा है। तो अगर हम इसको अवॉइड भी करते हैं तो उसके बाद देख सकते हैं जो ऑन एन एवरेज जो मार्जिन है वो 10% से ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 12%। सो अभी भी इन लाइन उसके ऑपरेटिंग मार्जिन से 12%। फाइन, प्रॉफिट अगर आप देखें तो 55 करोड़, 70 करोड़, 55, 34, 49, 47, 50, 54, 62। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्रॉफिट्स भी हैं, डिसेंट प्रॉफिट्स हैं। फाइन, और सस्टेनेबल है। फाइन, बट अभी अगर आप जून का रिजल्ट देखते तो ये मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो अब तक 2020 का जो क्वार्टर था, दिसंबर 2020, उसके बाद मुझे लगता है ये एक बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट उसका रहा है। फाइन, ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनुअल। यहाँ पे देख सकते हैं आप 2017 से जो डेटा अवेलेबल है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट 2017 में ऑलमोस्ट 108 करोड़, देन 56, 2019 में नेगेटिव यानी कि लॉस था। तो 2020 में कोविड की वजह से हमें रिजल्ट में थोड़ी से पुअर रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगेन 21 के बाद आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो रही है। TTM का मतलब मैंने पहले भी बताया था, ट्रेलिंग 12 मंथ्स, यानी कि कंसिडरिंग आज जो है 6th ऑफ अगस्त है, तो अगस्त मंथ अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो पिछले 12 मंथ का जो एक कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का ये वैल्यू है 239 करोड़। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मैंने बताया कि क्या इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट में हम इंपॉर्टेंट है रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स। फाइन, तो बोरोइंग अगर आप देखें तो 18-19 में और 20 में बोरोइंग्स बढ़ चुके थे, बट उसके बाद अगर आप देखें कंसिस्टेंसली बोरोइंग डिक्रीज हो रहे हैं। तो अभी जो अप टू मार्च 2023 है, बोरोइंग ऑलमोस्ट पिछले 5-6 सालों के मुकाबले काफ़ी कम है, 110 करोड़। ठीक है, कैश फ्लो, कैश फ्लो पॉजिटिव है, 33 करोड़, डन। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पे हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, सितंबर 2020 में प्रमोटर के पास थी 36.53%, और अभी जून में बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे ऑब्जर्वन से देखिए, लास्ट प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से, 36.53 के हिसाब से यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 2% से प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। और मैंने पहले भी बताया, अगर प्रमोटर्स प्रमोटर्स यानी कि ओनर्स, अगर ओनर्स अगर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं, ठीक है ना, अगर ओनर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है, क्योंकि जो कोई भी ओनर्स यानी कि प्रमोटर्स हो, अगर वो अपने हिस्सेदारी अगर बढ़ाते हैं तो इसका मतलब जो फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है तो ये काफ़ी बढ़िया रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं। नहीं तो लॉस मेकिंग कंपनी में मुझे ऐसा नहीं लगता कोई प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहेगा। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट मुझे देखने को मिला। हालांकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने काफ़ी कुछ सेलिंग किया है ऑलमोस्ट 2020 से लेके, सो 10% जो उनकी हिस्सेदारी थी अब ऑलमोस्ट 3% रह चुकी है। तो ये एक फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का यहाँ पे कुछ स्टॉक में इंटरेस्ट कम होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। बट वहीं पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, बट अगर 2020 के मुकाबले देखा जाए तो
5% से उनकी हिस्सेदारी ऑलमोस्ट इंक्रीज हो चुकी है। पब्लिक होल्डिंग अगर आप देखते हैं तो 53% था 2020 में और अभी भी ऑलमोस्ट 53% है। तो ऑन एन एवरेज अगर यहाँ पे कंक्लूड किया जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो प्रमोटर ने और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास काफ़ी ठीक ठाक सी होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास भी ऑलमोस्ट 3% है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक बेटर या अच्छा स्टॉक बन सकता है आने वाले फ्यूचर में। तो ये था एक फंडामेंटल डिस्कशन। ठीक है, अब ऑन चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। 2020, राइट, 2020 को अगर आप यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए 2020 से अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली हमें एक ग्रोथ यहाँ पे इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और अभी भी अगर हम देखें तो 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई के करीब वो ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले फ्यूचर्स में भी इसमें एक अच्छी खासी हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एक अच्छा खासा मल्टीबैगर स्टॉक ये बन सकता है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो काफ़ी पिछले काफ़ी सालों से जो एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है, वो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले अगले 5-6 सालों में एक बेटर परफॉर्मिंग सेक्टर रहेगा तो ऑटो सेक्टर रहेगा। तो ऑलमोस्ट 2030 तक, जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज़ हैं जो 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल को का जो यूज़ है मार्केट में वो बढ़ाना चाहती है, पेट्रोल कंजम्पशन को घटाना है। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का। और जैसा कि हमने देखा है कंपनी प्रोफाइल में, तो ये प्रोफाइल, ये जो कंपनी है ईवी सेक्टर में अभी एंटर कर चुकी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में ईवी रेडी। तो यहाँ पे एक्सप्लोर सॉल्यूशन में अगर आप क्लिक करते हैं तो काफ़ी जानकारी आपको मिल सकती है यहाँ पे। फाइन, सो ये जो है एक ईवी सेक्टर में भी उन्होंने इन्होंने अपना जो है वर्क प्रोग्रेस स्टार्ट कर चुका है। तो आने वाले फ्यूचर में एक अच्छी खासी बिजनेस इनकी बन सकती है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा है। तो अब टेक्निकली अगर हमें कुछ टारगेट्स यहाँ पे देखना है तो देखिए क्या है, इधर आपको फिबोनाची यूज़ करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फाइन। बट जैसा कि हम देख रहे हैं लास्ट 3 ईयर्स से कंटिन्यूस अप ट्रेंड में, तो एक फिबोनाची ट्रेंड कंटिन्यूएशन का इंडिकेटर हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से एक ड्रॉप डाउन बॉक्स में अवेलेबल है ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। तो ये किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। यहाँ पे देखिए एक अप ट्रेंड, उसके बाद साइडवेज यानी कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन फेज, अगेन अप ट्रेंड, एक स्मॉलर कंसोलिडेशन, अब फिर से एक अप ट्रेंड रिजम्पशन हो चुका है। तो जो अब यहाँ से एक ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, तो इसको मैं टाइमिंग पॉइंट ए कहना चाहूँगा। यहाँ तक ट्रेंड था तो ये है पॉइंट बी, फाइन। उसके बाद ये है पॉइंट सी एंड फर्दर यहाँ ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है। तो पॉइंट ए बी सी जो है ये एक ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन के लिए हमें इंपॉर्टेंट है। अब जो इंडिकेटर यहाँ पे अप्लाई करना है मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो पॉइंट ए को फर्स्ट क्लिक करना है, पॉइंट बी पे सेकेंड क्लिक करना है और पॉइंट सी पे थर्ड क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फाइन, ये जो है आने वाले दिनों में हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, फाइन। तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि ये देखिए 291 का जो टारगेट था वो तो अभी ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, फाइन। तो आने वाले दिनों में, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके कुछ सेटिंग्स में मैं चेंज करना चाहूँगा, फाइन, ओके। अब ये जो है फिबोनाची लेवल 2 का, तो ये मेरे हिसाब से अगला टारगेट रहेगा जो कि है 366.95 का। ठीक है, 366.95, सो इसको हम 367 अज्यूम कर सकते हैं। सो 367 का एक मिड टर्म टारगेट रहेगा प्रिकॉल लिमिटेड का। ठीक है, फाइन। उसके बाद जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल ये एक वेबसाइट है। देखिए यहाँ पे मार्केट्स को क्लिक करना है, फाइन। मार्केट को क्लिक करने के बाद ब्रोकर रिपोर्ट्स को क्लिक करना है। ब्रोकर रिपोर्ट्स को जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ब्रोकर और एनालिस्ट रहेंगी तो उनके रिपोर्ट्स हमें मिलेंगे। ऑलमोस्ट जो बेस्ट इंडस्ट्रीज होते हैं, कंपनीज होते हैं, उनका जो एनालिटिकल रिपोर्ट होता है यहाँ पे वो पब्लिश करते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल, प्रभुदास लीलाधर, एमके, कुछ और भी एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़। उसके बाद देखिए
मोतीलाल से जस्ट सेकेंड, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन मोतीलाल ओसवाल ICICI सिक्योरिटी, यहाँ पे HDFC सिक्योरिटी है, फाइन। तो बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स एनालिस्ट जो है अच्छे खासी कंपनीज को जो ट्रैक करते हैं वो अपना रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट करते हैं। तो अब हमें देखना है प्रिकॉल का कोई रिपोर्ट अवेलेबल हो तो यहाँ पे हमें टाइप करना है प्रिकॉल, तो आ जाएगा प्रेडिक्शन में प्रिकॉल लिमिटेड, यहाँ पे सिलेक्ट करना है गो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिकॉल पे ICICI सिक्योरिटीज़ ने अगस्त 2022 में बताया था कि जब 170 उसका प्राइस था तो टारगेट 200 था। उसके बाद उन्होंने फेब्रुआरी में फिर से रिपोर्ट प्रेजेंट किया, 205 को बाय करना था तो ऑलमोस्ट 250 का उनका टारगेट था। उसके बाद ICICI सिक्योरिटी ने फिर से 15 मई के दिन उन्होंने एक बाय रिकमेंडेशन यहाँ पे दिया है 235 पे, और टारगेट उन्होंने बताया 285। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 285 तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल पे जो रिपोर्ट्स अवेलेबल है इसको अगर आप क्लिक करते हो तो डिटेल में सब रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये जो इनका व्यू होता है, टारगेट होता है, ये 1 ईयर का होता है। तो बिफोर 1 ईयर, 1 साल के पहले ही ये टारगेट इनका अचीव हो चुका है। सो जैसा कि मैंने बताया, आप टेक्निकली ऑन चार्ट अगर डिस्कस किया जाए तो मेरे हिसाब से जो टारगेट है वो है 367 का टारगेट है। तो ये एक मीडियम टर्म यानी कि 1 ईयर टाइम फ्रेम में मुझे ऐसा लगता है ये टारगेट अचीव हो सकता है। बट मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, तो हम एक मल्टीबैगर सीरीज में है तो ये एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। तो मेरे हिसाब से 3 to 5 ईयर्स, कम से कम 3 to 5 ईयर्स हम इसको ज़रूर होल्ड कर सकते हैं फॉर द बेस्ट रिटर्न्स। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर यूट्यूब बैनर पे रहेगा, साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़े रहें। किसी और स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।